स्टूडेंट्स, आज हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें मेंशन की गई हैं और हमें उन स्टेटमेंट्स को बताना है कि वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है। बात कर लेते हैं अपने पहले स्टेटमेंट की। तो पहले स्टेटमेंट है मेरे पास, नेलॉन 6,6 एंड ट्राइलीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो मैं कहती हूँ बेसिकली बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास नेलॉन 6,6 है, ये आपके पास क्या है, पॉलीअमाइड रेजिन्स हैं। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपके पास क्या होती है, जब आपके पास दो डिफरेंट मोनोमर्स जो है कंबाइन होते हैं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल जो है वो मॉलिक्यूल। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल में भी जो है वो आपके पास वाटर हो सकता है और अदर्स हो सकता है। तो मैं कहूँगी मेरे पास जो ये स्टेटमेंट है, ये आपके पास क्या है जी, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट टू की। स्टेटमेंट टू क्या है हमारे पास, द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम। अगर मैं बात करती हूँ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक की, तो मैं कहती हूँ मेरे पास जो है वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कॉज करती हैं, बिकॉज मैनी प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को। तो मैं कहती हूँ जो मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है, स्टेट नंबर टू, ये मेरे पास क्या है, फॉल्स है। अगर बात कर लेती हूँ अपने थर्ड स्टेटमेंट की, तो इसमें कहा गया है फ्रुक्टोज जो है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जबकि मुझे ये पता है फ्रुक्टोज मेरे पास क्या है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड का मतलब है वो एक शुगर के मॉलिक्यूल को क्या करता है जी, कंटेन करता है। तो मैं कहती हूँ मेरे पास जो ये स्टेटमेंट है, ये भी क्या है जी, फॉल्स है। ओके जी, नंबर फोर है, ह्यूमन बीइंग गेट नो फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सेलुलोज। अच्छा जी, सेलुलोज जाहिर सी बात है हम नहीं, ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसके पास वो एंजाइम ही नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन क्या डाइजेस्ट कर सकता है आपके पास, जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, स्टार्च। इसमें क्या क्या कहा गया है, ह्यूमन बीइंग गेट नो फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सेलुलोज। मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट मेरे पास जो है वो क्या है जी, ट्रू है। ओके जी, हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सी है, द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड इन द ह्यूमन बॉडी इज विटामिन डी। जी नहीं, मैं आपके पास जो मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड है वो जी कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल है। तो मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट मेरे पास जी क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। सिक्स स्टेटमेंट की बात करूँ, एंजाइम्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जी नहीं, एंजाइम्स मेरे पास जो है वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट होते हैं, और जो कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट भी मेरे पास जो है वो क्या है, फॉल्स है। एंजाइम जो है वो कार्बन हाइड्रोजन एंड जो है वो ऑक्सीजन को कंटेन नहीं करते। ओके जी, सेवेंथ स्टेटमेंट की बात करती हूँ, द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैट्स इज मेजर बाय देयर आयोडीन नंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप जब भी फैट्स में अनसेचुरेशन निकालते हैं तो मेजर आप करते हैं किससे, आयोडीन नंबर से। मैं कहती हूँ ये स्टेटमेंट मेरे पास जो है वो क्या है जी, ट्रू है। एट स्टेटमेंट की बात करती हूँ, एट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर एंड पीएच। जी हाँ, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बेसिकली डिपेंडेंट होती है विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ मेरे पास जो स्टेटमेंट एट है वो क्या है मेरे पास, ट्रू, ठीक है ना। और आपके पास जो स्टेटमेंट नंबर नाइन है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जी नहीं, न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नहीं है, न्यूक्लिक एसिड आपके पास क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की अगर बात करते हैं वो मेरे पास क्या है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट भी क्या है जी, फॉल्स है। ओके जी, हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर टेन है, जो कि लास्ट स्टेटमेंट है, वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी। तो मेरे पास बिल्कुल सही, न्यूक्लिक एसिड आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या है जी, ट्रू है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट्स हमने जो है क्लासिफाई कर दिए कि ट्रू है या फॉल्स है।